हमारे देश में माना गया है गुड गवर्नेंस इज अ बैड पॉलिटिक्स. ये सही है कि ज्यादातर राजनीति में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते, और इसलिए उनकी योजनाओं की प्रायोरिटी उसी बात पर रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजें, और उसके कारण जिस उद्देश्य से कारवा चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुढ़क जाता है, और उसके कारण हमारे देश में गुड गवर्नेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था, हर स्टेज पर स्क्रूटिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों के प्रति उदासीनता प्रवेश कर गई. देश में बदलाव लाने के लिए जितना महत्वपूर्ण नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महत्वपूर्ण लास्ट माइल डिलीवरी का है. आपने जो सोचा, समझा, निर्णय किया, धन लगाया, अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है, आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है, कुछ दिनों के लिए तो वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगी. लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे तो सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव नहीं आएगा. मान लीजिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया, बहुत बढ़िया इमारत बन गई, उत्तम से उत्तम संसाधन वहां लगाए गए, साधन लाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन वहां जो मरीज आता है, अगर उस मरीज को इसका लाभ नहीं मिलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है, इमरजेंसी का पेशेंट आया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना धन लगाने के बाद भी, इतना बढ़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अरबों खरबों रुपया बेकार जाते हैं. और इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इन दोनों का संतुलित संबंध रहना चाहिए, तभी जाकर के सामान्य मानवीय को लाभ होता है. गुड गवर्नेंस हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, कुछ ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, नगर पंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, जिला परिषद में हो गया तो भी प्रधानमंत्री का जवाब मांगेंगे, नगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, महानगर पालिका में हो गया
तो भी मत प्रधानमंत्री जवाब दे, राज्य में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे। पॉलिटिकली तो ठीक है, टीआरपी के लिए भी शायद ठीक होगा, और प्रधानमंत्री को तकलीफ हो वो कोई बुरी चीज नहीं है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए और मेरे जैसे को ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता है कि पंचायत अपनी जिम्मेवारी फील ही नहीं करता है। नगर पंचायत को लगता है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, नगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, महानगर पालिका को लगता है मेरी नहीं, राज्य को लगता है मेरी नहीं, और उसके कारण गवर्नेंस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। गुड गवर्नेंस के लिए पहली आवश्यकता है जिस जिसकी जो जिम्मेवारी है उससे उस जिम्मेवारी का हिसाब मांगना चाहिए, न नीचे हिसाब मांगना चाहिए न ऊपर मांगना चाहिए, सीधा सीधा उससे मांगना चाहिए, तब सुधार होगा, सुधार तब होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस एंड पीपल अवेयरनेस एंड ओपिनियन मेकर ये बहुत आवश्यक है कि जिसकी जिम्मेवारी हो उसकी जवाबदेही हो, ये एक बहुत अनिवार्य है। दूसरा, गुड गवर्नेंस में मेरा मत है कभी कभी समस्याओं की जड़ में सरकार स्वयं होती है। मैं जानता हूं ये मैं बोलता हूं उसके कारण क्या क्या होगा। सरकार जितनी निकल जाए उतना ही जनता सामर्थ्यवान बनेगी और जनता राष्ट्र को जो चाहिए वो दे सकती है। सरकार हर जगह पे आड़े आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से ये आदत बनी हुई है, इसको बदलना कठिन काम होने के बावजूद भी गुड गवर्नेंस के लिए ये बदलाव जरूरी है। सरकारों ने अपने आप को बदलना होगा। रुकावटें पैदा करे, जनता को बार बार हमारे पास आना पड़े, हमसे हिसाब मांगना पड़े, ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? अब आप सिंपल सी बात है, आज जेरोस का जमाना हो, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए उसको आग्रह करते थे, कॉर्पोरेटर का साइन ले आओ, एमएलए का साइन ले आओ, एमपी का साइन ले आओ, तहसीलदार का साइन ले आओ। वो बेचारा साइन लेने के लिए घूमता फिरता था। हमने आकर के निर्णय किया, भाई जनता पे भरोसा करो ना, जेरोक्स मशीन है वो जेरोक्स करके भेज देता है, जब फाइनल जॉब मिलेगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख लेना, टैली कर लेना। गुड गवर्नेंस में प्रोसेस कम हो, सामान्य नागरिक को कोई भी चीज आसानी से पता चल जाए, ये हम सहज रूप से डेवलप करने के पक्ष के हैं। ये ठीक है कि भारत सरकार को तत्काल नागरिकों से संबंध उतनी मात्रा में नहीं आता है जितना राज्यों को आता है, जितना महानगर पालिकाओं को आता है, लेकिन फिर भी अभी हमने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभियान चलाया, राज्यों के बीच कंपटीशन की कि सारे लाइसेंस वाइसेंस के चक्कर को थोड़ा कम करो भाई, सेंसिटाइज किया उनको, समझाया, और मैं खुद मुझे खुशी है कि देश के कई राज्य जिनको कभी हम डेवलप स्टेट नहीं मानते हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अच्छे राज्यों ने इनिशिएटिव लिया और कई प्रोसेस को छोटा कर दिया, सिंपल कर दिया और टेक्नोलॉजी बेस कर दिया, गुड गवर्नेंस का अनुभव होने लगा। सामान्य मानवीय की आवश्यकताएं, अभी जैसे हमने
इनाम नाम की योजना बनाई है। ई मंडी, आज किसान को कितने रुपये में माल बेचना चाहिए वो कोई और तय करता था, आज टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसान खुद तय करेगा कि मुझे कहाँ बेचना है, कितने दाम से बेचना है, किसान का फायदा होगा। और इसलिए गुड गवर्नेंस की ये आवश्यकता है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण एक ताकत मैं मानता हूं तो वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। क्या सरकार जनता की आवाज सुनती है? सुनती है तो उस पर जिम्मेवारी के साथ रिस्पॉन्स करती है। हमारी गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है और अभी बहुत कुछ करना है। सामान्य से सामान्य नागरिक की शिकायत ये सुनने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और टाइम फ्रेम में, निर्धारित समय सीमा में उसको उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। उसकी कठिनाइयां हैं तो उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यवस्था ने उंगली पकड़ करके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको चुप नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जितनी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मैं अभी इन दिनों हर महीने एक प्रगति का कार्यक्रम करता हूं, सभी सेक्रेटरी, सभी चीफ सेक्रेटरी राज्यों के बैठता हूं, जनता की जो बातें मेरे पास आती हैं मैं सीधा उनसे पूछता हूं, इश्यू एक उठाता हूं लेकिन एड्रेस पूरी सिस्टम को करता हूं। अगर किसी ने पेंशन को लेकर के शिकायत की तो पेंशन के जितने मसले हैं सब पर मैं दबाव डाल करके कहता हूं कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, टाइम फ्रेम में कैसे करोगे। तो गुड गवर्नेंस के लिए हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुड गवर्नेंस से होता है।